राइट अप्रोच क्या होता है, तो राइट अप्रोच आपका मॉक टेस्ट को ये लेकर होता है कि आप रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट देते रहें, इससे तलाक ना ले ले, डाइवोर्स ना ले ले, ठीक है। प्यार मोहब्बत मॉक टेस्ट के साथ बना रहना चाहिए, जैसे उसको दिन में एक बार फोन कर ही लेते हो, वैसे इसको भी कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर याद कर लेना। ऐसा नहीं कि कनेक्शन ही छोड़ दिया और इंडिया पाकिस्तान बन गए, ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है। बराबर का प्यार देना है मॉक टेस्ट को, ताकि ये आपको उल्टा बहुत ऊंचाइयों तक ऊंचा कर लेकर जा सके। देखो यार, वीडियो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो तो ऐसी गोल्डन बातें होती है ना जो आपको कोई पढ़ाते वक्त नहीं बताता है। आप मुझे एक यूट्यूब चैनल बात बता दो जो पढ़ाने के वक्त आपको ये सारी बातें बताते हो, पॉसिबल ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि मैं इस सफर को होकर गुजरा हूं, तो मुझे पता है कि इस सफर का महत्व क्या है। क्या दिक्कत है यार, आएंगे 15 सवाल अपन भी कराएंगे, चले जाएंगे, बच्चों को क्या फर्क पड़ता है बताने की जरूरत की, देखो बेटा ऐसे मॉक टेस्ट देते हैं, ये कमियां आती हैं, ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अरे मुझे पता, हर बच्चा परेशान है, हर बच्चा दुखी है। कहा ना कि सब बोलते हैं सर पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ना कैसे है कोई ये नहीं बताता है। सब बोलते हैं मॉक टेस्ट दे दो मॉक टेस्ट दे दो, लेकिन मॉक टेस्ट देना कैसे है वो कोई नहीं बताता है। तो बता रहा हूं, अब जब बता रहा हूं तो हर जगह शेयर चाहिए, हर जगह पर शेयर चाहिए, एक हक से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तुरंत व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो भाई, जितने लोग देखेंगे खुशी होगी मुझे, हर जगह पर शेयर। ध्यान रखना, ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जो बच्चे गांव से रहते हैं जिनके पास मोबाइल है लेकिन लैपटॉप की सुविधा नहीं है, तो आप अभी मोबाइल से ही आदत लगा सकते हो मॉक टेस्ट को देने की। अभी मोबाइल से ही कंटिन्यू कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे 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 धीरे धीरे आदत लगेगी, तो अपने पेपर के पहले साइबर कैफे में जाकर कुछ मॉक टेस्ट दे देना, और बाकी बच्चे जिनके पास लैपटॉप है वो दनादन लैपटॉप से ही प्रैक्टिस करें, मोबाइल की आदत में ना आए, ठीक है। चलो, उसके बाद यहां पर एक जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको लाइफ में खुद मैंने फॉलो किया था, ये मेरा सबसे बड़ा गोल्डन रूल है, और ये क्या है वो समझ लो, ठीक है। इसको मैंने खुद फॉलो किया था, ये समझ लो। अब ये क्या है वो समझो। जैसे मान लो क्या होता है कि आप लोगों में से बहुत सारे पूछते हो कि सर आपने जो ये स्मार्ट अप्रोच डेवलप किया, ये स्मार्ट अप्रोच कैसे डेवलप किया मुझे ये बताओ सर, कैसे आपने इतने सारे स्मार्ट अप्रोच स्मार्ट टेक्निक्स डेवलप कर लिए, कहां से पढ़ा, कौन सी किताब से पढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी किताब से पढ़ा। यहां पर बैठ के क्या होता था कि मॉक टेस्ट हमने दे दिया, अब मॉक टेस्ट देने के बाद मैं तसल्ली से बड़े बैठूंगा वहां पे, और बैठने के बाद उसके बाद मैं एनालाइज करूंगा कि यार ये जो एवरेज का सवाल है ना, ये मेरा गलत हुआ है। अगर ये गलत हुआ है तो क्या इससे कोई बेहतरीन तरीका है जिससे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बैठकर वहां पर कंसेप्ट लगाऊंगा कि अच्छा ऐसे करते हैं तो शॉर्ट में हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वो मेरा अपना कॉल था। उसी तरीके से जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आप उसको बैठकर एनालाइज करो कि मेरा जीएस गलत हुआ है तो अगली बार जीएस पे ध्यान देना है, मैथ गलत हुआ है तो ये ध्यान देना है, कोई सवाल गलत होता है तो उसको बार 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 फोकस करो, क्या मैंने इसको पढ़ा नहीं था, और अगर पढ़ा था तो कमी कहां पर थी, मेरे को स्क्वायर नहीं आता, क्यूब नहीं आता, मेरा कैलकुलेशन वीक है। जितने भी कमियां आती है ना, सबको एक पन्ने पर नोट करो, तुरंत मैं बोल रहा हूं नोट करो तो नोट करो, सीधी सी बात है। मॉक टेस्ट दिया, अपने कमियों को नोट करो, और नोट करने के बाद उसके ऊपर काम करना शुरू करो। सफलता का इकलौता यही मूल मंत्र है। पढ़ाई हर कोई करता है, पूरा किताब हर कोई करता है, भारत में अकेले आप नहीं है जो रीजनिंग गुरु की किताब लगाते हैं, या जो है किरण की किताब लगाता है, या जो प्रीवियस ईयर लगाता है। ऑलमोस्ट 24 लाख अगर एस्पिरेंट हैं तो 15 लाख तो लगाते ही लगाते हैं। उस 15 लाख में आप ही को क्यों हम इंस्पेक्टर बनाए, SSC आपसे ये सवाल कल के दिन पूछेगी, क्या जवाब दोगे? भैया हमने मेहनत की है, हमने समझा है कि मेहनत क्या होता है, हमने जाना है कि कंसेप्ट क्या होते हैं, हमने अपने कमियों के ऊपर काम किया है। जब जब हमारे मॉक में नंबर कम आते थे, हम अपने कमियों को नोट करते थे और हर चीज पर हम काम करते थे, और तभी यह मुकाम आया है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे कि हम 190 तक पहुंचे हैं। 190 लाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, ये वही ला सकता है जिसने हर पॉइंट पर काम किया हुआ है, जिसने अपनी हर कमियों को सुधारा है, और उसमें से आप बन जाते हैं तो आप भी 190 वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिए। You're the best.